देश में नशा क्यों फैलता जा रहा है? देश में नशे को फैलाने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और व्यापारी तीनों लिप्त हैं। ये कहाँ का न्याय है कि देश के किसानों जो अफीम पैदा कर रहे हैं, औषधि पैदा कर रहे हैं, उनको तो कहा जा रहा है कि उनके अवशेष डोडा चूरा को दफन किया जाए, जला दिया जाए, लेकिन व्यापारियों के लिए स्टॉक संग्रहण के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। भारत के अंदर अफीम पैदा होती है औषधि के रूप में, अफीम निकाल ली जाती है, उसके बाद उसका शेल अवशेष डोडा चूरा बचता है और धोला पाली उन जो पोस्ता दाना रहता है उसकी छनाई की जाती है, उसमें से धोला पाली निकलता है। यहां पर जो कानून बने हुए हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट वो ये कहता है कि डोडा चूरा पे कोई प्रतिबंध नहीं है। उस प्रतिबंध के लिए राज्य शासन उस उन आदेशों को नहीं मानती, उस स्टे ऑर्डर को नहीं मानती। तो जब केंद्र सरकार हार चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर स्टे मिल चुका है उनके आदेश पे, तो राज्य सरकारें उन आदेशों को मानने से विवश है। इस कारण जब राज्य सरकारें आदेश नहीं मान रही हैं और वो कह रही कि नहीं हम डोडा चूरा पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो जो उसका अवशेष एक और अवशेष है पोस्ता छिनाई में धुला पाली, उसके लिए स्टॉक संग्रहण के लिए व्यापारियों को अनुमति दे रही है और वहां किसानों को कह रही है जलाए। वही पोस्ता निकल वही पोस्ता व्यापारी धोला पाली को स्टॉक संग्रहण कर रहे हैं और वही किसान उस जो शेल के अंदर से ये पोस्ता दाना निकलता है उसके अवशेष को जला रहे। भारत सरकार ने जब प्रतिबंध लगा रखा था तो डोडा चूरा व्यवसायियों ने, जो भी ठेकेदार थे, उन्होंने 2015 में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश को स्टे दे दिया, हटा दिया, लेकिन निर्णय पारित नहीं किया। 24,900 जो SLP नंबर है वर्ष 2015, वो आज भी पेंडिंग है। 4 सितंबर 2015 को जिस पे स्टे ऑर्डर मिला हुआ है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे पारित कर पा रही है। ऐसा लगता है कि क्या वो केंद्र सरकार को बचा रही है, लेकिन यहां पर राज्य सरकारें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें, वो डोडा चूरा पे प्रतिबंध लगा रही है और उन्होंने तो धारा भी हटा दी। देखिए, एक गजट नोटिफिकेशन पारित हुआ, इस गजट नोटिफिकेशन में दिनांक 11 जुलाई 2016 को डोडा चूरा की जो धाराएं हैं, नियंत्रण की, निस्तारण की धाराएं हैं, उसको हटा दिया। जब राजपत्र में प्रकाशित हो गया तो नीमच जिला प्रशासन ने और पत्र व्यवहार करे और ऐसे पत्र व्यवहार किए जिससे ये लगता है कि जो पोस्ता व्यापारी, छनाई व्यापारी जो पोस्ता छनाई कर रहे हैं, उनको राज्य शासन के आदेश के बाद भी, लाइसेंस जारी कर दिए और उनको स्टॉक संग्रहण की अनुमति दे दी। क्यों भाई, किसान क्यों नहीं डोडा चूरा का स्टॉक संग्रहण कर सकता था? आज ये जो पत्र हैं उससे ऐसा लगता है कि सिर्फ पूरे विश्व में नीमच जिले के अंदर 5,000 करोड़ से अधिक राशि का गबन हुआ और उसमें नशे का व्यापार हुआ और उसमें जो ड्रग व्यवसायी हैं, ये जो पोस्ता व्यवसायी हैं, उनको ड्रग माफिया कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो पोस्ता व्यापारी हैं वो पोस्ता छिनाई की आड़ में ड्रग माफिया बन गए और पूरे विश्व के अंदर नीमच जिला जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने 5,000 करोड़ की राशि की बंदरबांट कर दी। क्या नारकोटिक्स कमीशन या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो, इन सब की जांच कराएगा? क्या केंद्र सरकार का आयकर विभाग, क्या केंद्र सरकार का ईडी, क्या CBI नीमच जिले के अंदर जो 5,000 करोड़ का नशे व्यापार में लिप्त ड्रग माफिया हैं, जो कि छपे हुए हैं, छुपे हुए हैं, और वो पोस्ता छिनाई की आड़ में 5,000 करोड़ की राशि का बंदरबांट कर चुके हैं, तो ये जो सच्चाई सामने आएगी, क्या इस पर जांच होगी? और इधर विवश है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कहता है कि देश के अंदर क्यों हो रहा है ये सब, नीमच जिले से केंद्रित हो रहा है और आज नीमच जिला मेक्सिको बन गया है।
जो मैक्सिको का ड्रग कार्टल है वो सिर्फ नीमच जिले में संचालित हो रहा है, और 5,000 करोड़ का जो नशा कारोबार है उसमें लिप्त आज जो भी दोषी लोग हैं वो प्रशासन पे हावी।